स्पर्श इंद्री, घ्राण इंद्री, श्रवण इंद्री, चक्षु इंद्री, कितने हो गए? चार। और एक रस इंद्री। अच्छा, एक इंद्रिय ऐसा है जो टू इन वन है, एक ही प्लेटफॉर्म पर वो स्पेस है, मतलब एक ही जगह पर दो इंद्रिय, एक तो कर्मेंद्रिय है और एक ज्ञान इंद्रिय है। जब वो वाणी में आती है तो वो वागेंद्रिय हो जाती है, और जब वो भोजन का रस स्वादन करती है तो वो रस इंद्रिय हो जाती है। कहती है कि पांच जो इंद्रियां है ना, इनके भीतर इतनी लालसा है, इतनी कामना है कि वर्षों से इनकी कामना को पूरा करते 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 मैं ऊब चुकी हूं। आप जब अपने आप को ना विश्लेषण करके अपने देह और इंद्री से बाहर निकाल करके सोचेंगे ना, तब इस भाव को समझ पाएंगे। एक छोटा सा बच्चा मान लो आपके पांच बच्चे हैं, कोई बहुत गाना सुनता है, कोई बहुत खाना खाता है, कोई कहता मम्मी जरा मसाज किया करो, खूब होते ना बच्चा लोग, बहुत पैर दुख रहा है, फिर क्या होगा? आप कहोगे तुम भाग जाओ घर से, बहुत शोर कर रहे हो, बहुत तंग कर रहे हो। देवभूति जी कहती हैं कि मैं थक गई हूं इनकी कामनाओं को पूर्ण करते करते। इन देह आदमी मैं और मेरे पद का जो दुराग्रह है ना, इसमें हम सब फंसे हुए हैं। जीवन के दो सबसे प्रतिकूल स्थितियां हैं, एक मैं और एक मेरा। इन दोनों से हम ना उलझे हुए हैं। मैं मतलब हमने बहुत बड़ी नौकरी की है, बहुत बड़ा, पता है हमने बनाया इतना बड़ा घर। अच्छा, आपने बनाया थी? नमस्ते। योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निहसे साय में अत्यंतो परित्यक्तः दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कपिल जी कहते हैं माँ से कि हे माँ, ये मेरा निश्चय है, जीवन में जो दुख का आत्यंतिक नाश होता है ना, मतलब आत्यंतिक अर्थ ऐसे लीजिए कि एकदम से ना समूल नष्ट होना, वो कैसे होगा? वो आध्यात्म की शरण में जाने से होगा, वो योग करने से होगा, भक्ति को अपने जीवन में बढ़ाने से होगा। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। मन यो मनुष्यानाम कारणं बंधन मोक्षयो। हमें कुछ पाना होना नहीं है, हमें कहीं जाना होना भी नहीं है, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं।